नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। पोर्नोग्राफी केस में राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा सेठी से भी क्राइम ब्रांच की टीम ने 23 जुलाई को 6 घंटे की कड़ी पूछताछ की थी। इसी पूछताछ को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक 23 जुलाई की शाम को जब पुलिस वाले राजकुंद्रा को लेकर उनके घर पहुंचे थे, उनको देखते ही शिल्पा सेठी भड़क गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा था कि तुम्हारे बिजनेस से मेरे परिवार की काफी बदनामी हो रही है, इसी वजह से कई असाइनमेंट और बिजनेस डील मेरे हाथ से निकल रहे हैं। खबर के मुताबिक शिल्पा सेठी ने पति राज कुंद्रा से कहा उन्हें अपने ऐप और बिजनेस के बारे में उन्हें बताना चाहिए था। इसके बाद शिल्पा जोर जोर से रोने लगी। कहा जा रहा है कि शिल्पा को रोता हुआ देखकर राज की आंखों में भी आंसू आ गए। उधर सेशन कोर्ट ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की अर्जी को ठुकराते हुए मंगलवार को राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब पहले पुलिस और सबूत लेकर आए, उसी के बाद उसे पूछताछ की इजाजत दी जाएगी। राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जमानत की अर्जी लगाई हुई है। जमानत याचिका पर भी मंगलवार को ही फैसला आ सकता है। उधर इस केस में कोर्ट में मॉडल पूनम पांडे और सरलीन चोपड़ा को भी 20 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दे दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच एक बार फिर पूछताछ करने की तैयारी में है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पीएनबी बैंक में एक ज्वाइंट अकाउंट राज कुंद्रा के दफ्तर में मिली, सीक्रेट अलमारी से मिले दस्तावेज और शिल्पा के नाम से खरीदी गई करोड़ों की संपत्तियां शक के घेरे में है। शिल्पा इसी पोर्नोग्राफी रैकेट की जानकारी से इनकार कर चुकी हैं, लेकिन इससे हो रही कमाई न सिर्फ उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है, बल्कि इसके जरिए प्रॉपर्टी में निवेश से संबंधित दस्तावेजों पर उन्हीं के साइन मिले हैं। तो इस प्रकार से राज कुंद्रा और शिल्पा सेठी के बीच भी आपसी कलह देखने को मिल रही है। वहीं शिल्पा सेठी इनकार कर रही हैं कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि राज इस प्रकार के काम कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें सीएन न्यूज। शुक्रिया।